गाइस वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और आज है एक नया दिन और आज आखिरी दिन भी है हमारे उपनयन का, और क्या कहते हैं उसको, रातिम कहते हैं। और रातिम के दिन मतलब जो 4 दिन का फास्ट होता है, जिन दोनों लोगों का उपनयन हुआ है या जिसका भी उपनयन होता है उसका फास्ट होता है 4 दिन का, मतलब नमक नहीं खाते हैं, वो आज नमक खाते हैं। और वो ये कार्यक्रम रात को होता है और ये फाइनल डे है एक तरह से आप कह सकते हैं उपनयन का। सो अब सुबह है, अभी सुबह हो चुकी है, तो हम लोग मतलब सुबह सुबह वही डेली का रूटीन है कि सबके घर पे जाके कहना होता है कि मतलब आप आइएगा शाम को, इनविटेशन आप कह सकते हैं। सो हम लोग वही इनविटेशन देने निकले हुए हैं, तो फिर चलते हैं बिना किसी देरी के। गाइस सब लोग मड़वा की साफ सफाई कर रहे हैं, ये देखो एक यहाँ पे है, मौसी यहाँ लगी हैं, सारे यहाँ पे देखते, और यहाँ मामा फोटोग्राफी कर रहे हैं, और यहाँ पे एक और है। हेलो हेलो हेलो, साफ करो साफ करो, फोटो मत खिंचाओ, आपको कुछ स्पेशल करना होगा, अच्छे से इधर 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 प्लान बनो लो। यहाँ पे मम्मी जी आ चुकी हैं झाड़ू लेके, झाड़ू ने पोछा, वो मेरा लैंग्वेज है। जाओ जाओ मौसी जी, सबसे लपेट कानू, सबसे लपेट कानू, एक दिन मान दो, लपेटो लपेटो सब, ऐसे देखो तो गाइस यहाँ पे हम आ चुके हैं विदेश्वर स्थान, यहाँ का जो सबसे प्रख्यात और सबसे जो कहा जाता है ना कि चमत्कारी मंदिर है, वहाँ पे हम आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे बरुआ का मतलब आशीर्वाद देने के लिए ले आया जाता है। तो यहाँ पे मैं आया हूँ, ये एंट्रेंस है इसका, ये देख सकते हैं यहाँ पे भले कंप्यूटर क्लासेस के बोर्ड लगे हैं, और इधर देख सकते हैं शॉप्स हैं सारे, और मंदिर में तो काफ़ी भीड़ है, पता रविवार है इसलिए भी हो सकती है, कोई भी और भी रीज़न हो सकती है उसकी वजह से भीड़ है। तो गाइस ये मंदिर के बाहर का व्यू है, मतलब जो मेन मंदिर है उसके बाहर का व्यू, यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे हर तरह की चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, देखते हैं क्या क्या है, चाहे वो पूजा से रिलेटेड हो चाहे कुछ भी हो, सब अवेलेबल है यहाँ पे। और
यहाँ पे चूड़ियाँ हैं और उधर भी मूर्ति उर्ती है, सारी चीज़ें हैं। और इधर जो जाएंगे आप तो इधर यहाँ पे इस साइड आपको दूर दूर तक सिर्फ खाली जगह ही मिलेंगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इधर बगल में ईंट की भट्टी है और देख सकते हैं वहाँ पे ईंट की भट्टी है। क्लियर करके दिखाता हूँ, वो देखिएगा, ये देख सकते हैं ईंट की भट्टी है ये। और यहाँ पे कुआं है, आइए इस कुएं पे भी चलते हैं। यही वो कुआं है, अभी गहरा है कि नहीं ये पता नहीं, गहरा तो बहुत है, आप देख सकते हैं कितना गहरा है। और यही मंदिर है ये, और फिर इधर पेड़ है, यहाँ पर भी पेड़ है जिसमें तो सारी देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, स्थापित की गई हैं। अब मैं इधर से इधर आता हूँ और आपको इधर के व्यू दिखाता हूँ। मांस चाहिए। मांस तो चाहिए। मेन कोर्स।
देखो हमारे देखो अभी यहाँ पे खाना चल रहा है, आप इधर देख सकते हैं वहाँ पे भी खाना चल रहा है और फिर इधर आएंगे तो इधर भी खाना चल रहा है, खाना खिलाया जा रहा है। तो अभी मैं भी थोड़ी सी खिला रहा था बट अभी रेस्ट लेके मैं सोचा कि आपको दिखाऊं कि क्या कैसे खाना हो रहा है और व्लॉग पॉइंट कर दूँ। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन कॉल करें और जितना हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से प्यार बढ़ता है। तो सब ब्लॉग को ब्लॉग को जो करना है वो करो बट सब्सक्राइब कर देना। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।